विकास भाई, जब मैं ये कंट्रोवर्सीज देख रहा था कि क्या क्या होती रही है, आपका तो इतना तवील करियर है लेकिन कंट्रोवर्सी उसमें मुझे नहीं मिली। मतलब कोई सीक्रेट लाइफ है आपकी अलग से जो पैरेलल रखी हुई है आपने? सिकंदर भाई पता ही नहीं है क्या इनको शौक है बड़ी बड़ी बाइक का? हाँ वो मैंने देखा है। रीसेंट शौक है, पुराना शौक है? नहीं, ये बहुत पुराना है और स्कूल कॉलेज के टाइम का। लेकिन ये कंट्रोवर्सीज कैसे छुपाते हैं आप, चलिए ये बताते होंगी तो सही, इतने साल आप जब शो में। यार नहीं, वाकई कोई कंट्रोवर्सी, मैं एक्चुअली किसी दूसरे की जब जंग हो रही होती है ना उसमें खामखा नहीं कूदता। अच्छा, तो वहाँ से फिर वो एक आप अपने आप को एक नई उसमें डाल देते हैं, कंट्रोवर्सी कह रहे हैं या फिर एक उसमें, मतलब अगर इस किस्म की सेल्फी आप लेते भी तो उसको पोस्ट नहीं करते आप? मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक पता हाँ। नहीं, मैं अगर लगाता तो शायद कंट्रोवर्सी ना बनती क्योंकि कोमल लड़की है। नहीं आप देखें, एजाज असलम को खुदा ने इतना बड़ा कद अता किया है अदाकारी में भी और वैसे भी, इतने लंबे हैं, मैंने इनको चिड़ियाघर में देखा था पहली बार, जराफे को सुरमा लगा रहे थे। सिकंदर भाई से छोटा हूँ मैं। नहीं लेकिन आपने इनकी कूल, इनके जो ट्रिप्स होते हैं हार्लीज पे, इतने कूल ट्रिप्स होते हैं। आई ऑल्सो मैंने देखी है वो पिक्चर्स और वीडियोस। मैं खुद भी मोटर बाइक्स राइड करती हूँ और मैं इनके गई थी मोटर बाइक्स हार्ली पे एक वो करने, बट आई डू लाइक वेरी लाइट मोटर बाइक्स। वहाँ मैंने ट्राई की एक हार्ली एंड आई किड यू नॉट, इट्स नॉट। अच्छा, लड़कियाँ भी अब चलाने लगी हैं और ये बल्कि मैंने मुझे आज पता लगा एक खातून है जो कि लड़कियों को सिखाती हैं ट्रेनिंग, बल्कि उनका बाइक्स या हार्ली बाइक्स चलाना सिखाती हैं। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन लड़कियों की हेल्प हो जाती है, अपने काम पे खुद जाएं, तो बहुत सारी लड़कियां सीखना चाहती हैं।